Good morning, everyone. I am Neha Arora from Lyle Public School. So let me start today's class, chapter 1, and we have discussed exercise 1.4. Okay? Exercise 1.4. Last 2 days, we have discussed round-off numbers. Okay? हम 2 दिनों से राउंड ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो यू ऑल नो कि हाउ कैन वी राउंड ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है, तो टेंस में भी हमने राउंड ऑफ किया था. जो एक्सरसाइज करी थी हमने टेंस में, राउंड ऑफ 100 वी हैव लर्न ऑलरेडी, एंड 1000 वी हैव ऑलरेडी लर्न, एंड नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10,000. ओके, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस बारे में करेंगे, 10,000 में करेंगे. ठीक है, सो नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फोर इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. Following numbers, to the nearest 10,000. इसके बारे में राउंड ऑफ करेंगे हम 10,000 के बारे में. ठीक है, तो राउंड ऑफ जो करना है हमें 10,000 में राउंड ऑफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 चीजें मैंने ध्यान रखने को बोली थी. फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू, सेकंड इज कि हम किससे कंपेयर करा रहे हैं. ठीक है, ऑलवेज वी विल कंपेयर विथ 5. ठीक है, आप किसके साथ कंपेयर करोगे, 5 के साथ. लेकिन प्लेस कौन सी होगी, 10,000 के जस्ट पास वाला नंबर, मतलब 1000 प्लेस की वैल्यू आप लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. 14,785. ठीक है, नंबर इज 14,785. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट प्लेस वैल्यू अबव द नंबर 14,785. वन, 10, 100, 1000, 10,000. ओके, हमने प्लेस वैल्यू मेंशन कर ली. इसके बाद किसमें राउंड ऑफ करना है, 10,000 में. उसको हम क्या कर लेंगे, सर्किल बना देंगे. ठीक है, सर्किल जिस नंबर को बनाया है जस्ट उसी के पास वाला नंबर लेंगे. सर्किल के जस्ट पास वाला नंबर 4, एंड 4 कंपेयर कराएंगे 4 को 5 से. तो 4 इज लेसर वैल्यू. ठीक है, छोटी वैल्यू है तो वी विल नॉट एड 1. ठीक है, हम प्लस 1 नहीं करेंगे. तो वी कैन राइट 1 प्लेस वैल्यू 0, देन 10 प्लेस वैल्यू ऑन 0, 100 प्लेस वैल्यू 0, 1000 प्लेस वैल्यू ऑन 0, एंड 1 एज इट इज. वी कैन राइट 1 एज इट इज. तो नंबर वी विल गेट राउंड ऑफ द नंबर 10,000. ओके, 10,000 हमारा छोटा नंबर है. इज दैट क्लियर? हार्दिक मोदी और ये कनिष्का, प्लीज सिट प्रॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज 95,312. ओके, दिस इज कॉमा 95,312. ओके, इसको हमें 10,000 में राउंड ऑफ करना है. तो वी विल राइट प्लेस वैल्यू अबव द नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000. ओके, सो वी विल मेक द सर्किल 10,000 प्लेस. ओके, एंड टेक नियर द नंबर 5.
ठीक है, सर्कल के जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है, फाइव, एंड फाइव को कंपेयर करेंगे फाइव से, बोथ आर इक्वल, ओके इक्वल है तो हम एड वन करेंगे, ओके प्लस वन करेंगे, किसमें प्लस वन करेंगे, जिस नंबर को आपने सर्किल किया है उसी नंबर को हम क्या करेंगे, एड वन करेंगे उस पर, ठीक है, वन प्लेस ऑन जीरो, टेन प्लेस ऑन जीरो, हंड्रेड प्लेस ऑन जीरो, थाउजेंड प्लेस ऑन जीरो, एंड नाइन प्लस वन टेन, तो नंबर क्या बन गया हमारा, वन लैख, ठीक है, राउंड ऑफ नंबर क्या बन गया हमारा, वन लैख, नोट डाउन कर लीजिए इसको, जब कभी भी हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं जिस प्लेस के रिगार्डिंग बोला गया है, ठीक है, उसको हम सर्किल बनाते हैं, देन उसके पास वाला नंबर लेते हैं, पास वाले नंबर को हमेशा फाइव से ही कंपेयर कराएंगे, ठीक है, जब हम फाइव से कंपेयर कराएंगे अगर बड़ा है या इक्वल है तब तो हम प्लस वन कर देंगे, अगर छोटा है तो हम प्लस वन नहीं करते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, ई इज 15345, नंबर इज 15345, वी विल राइट द प्लेस वैल्यू अबव द नंबर, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ओके we will make the circle on 10,000 place, ठीक है, 10,000 place से हम circle बना देंगे, ठीक है, और just इसके पास वाला number लेंगे, circle के just पास वाला number 5, 5 को compare करेंगे 5 से, both are equal again, so we will add plus 1, okay, plus 1 करेंगे, 1 place on 0, 10 place on 0, 100 प्लेस ऑन 0, 1000 प्लेस ऑन 0, 1 प्लस 1, 2. So we will get the number 20,000. हमें क्या राउंड ऑफ नंबर मिला? 20,000. Is that clear? आपको प्लेस वैल्यू ध्यान में रखनी है, बार बार बता रही हूं मैं कि जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, जिस प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है उसको हम सर्किल बना रहे हैं, जस्ट सर्किल के पास वाला नंबर लेंगे, फाइव है तो फाइव को फाइव से कंपेयर करवाएंगे, ठीक है, तो फाइव फाइव दोनों इक्वल हैं, तो हम प्लस वन कर देंगे 10,000 प्लेस पर, ओके, और उसके बाद हम जो सर्किल से पहले वाले नंबर है उसको हम जीरो जीरो से प्लेस कर देंगे, और यदि सर्किल के कोई बाद वाला नंबर आता है या सर्किल वाली प्लेस वैल्यू का नंबर है तो उससे प्लस करते हैं और बाकी के डिजिट एज इट इज उतार देते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जी इज 64,046, नंबर इज 64,046, we will write place value above the number, 1, 10, 100, 1000, 10,000, okay, and make the circle, 10,000 place, okay, and take near value, circle near value, okay, circle ke just pass wala number, 4 ko compare karenge 5 se, लेसर वैल्यू, फोर इज लेसर वैल्यू मतलब छोटी है, फोर जो वैल्यू है वो फाइव से छोटी है, वी विल नॉट एड वन, ठीक है, हम प्लस वन नहीं करेंगे, ठीक है, वन प्लेस ऑन जीरो, टेन प्लेस ऑन जीरो, हंड्रेड प्लेस ऑन जीरो, थाउजेंड प्लेस ऑन जीरो, एंड सिक्स सेम एज इट इज, वी गेट द राउंड ऑफ नंबर 60,000, ओके
थाउजेंड. राउंड ऑफ नंबर हमारे पास क्या है 60,000. आई विल एक्सप्लेन अगेन कि जो भी आपको प्लेस वैल्यू का नंबर दिया हमें किस में राउंड ऑफ करना है, 10,000 में राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस का वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमने ऊपर देखो प्लेस वैल्यू मेंशन करी है 1, 10, 100, 1000, 10,000. ओके, 10,000 को हमने सर्किल बनाया क्योंकि हमें 10,000 की ही प्लेस का हमें राउंड ऑफ करना है. ओके, जस्ट इसके पास वाला नंबर लेंगे 4 को कंपेयर कराएंगे 5 से, तो 4 छोटी वैल्यू है 5 से, तो हम प्लस 1 नहीं करेंगे. ओके, तो सर्किल बनाने के बाद 1 प्लेस से 0, 10 प्लेस से 0, 100 से 0, 1000 से 0 एंड 6 एज इट इज. इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं तो अब तो ये रूल याद हो जाना चाहिए कि किस प्लेस को हमें सर्किल बनाना है. जस्ट प्लेस के पास वाली वैल्यू को हम लेंगे और कंपेयर हमेशा किससे कराएंगे, 5 से. प्लेस वैल्यू याद रखनी है, फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखना है, प्लेस वैल्यू. सेकेंड थिंग हम क्या याद रखेंगे, इसकी जस्ट उसके पास वाला नंबर लेना है. थर्ड थिंग कि 5 से बड़ी है या इक्वल है, तब तो हम प्लस कर देंगे, अदरवाइज छोटी है तो हम प्लस 1 नहीं करते. ठीक है, आप देख रहे हो ना, 4 से छोटा नंबर आ गया तो हम प्लस 1 नहीं कर रहे हैं. ठीक है, छोटी वैल्यू है तो हम प्लस 1 नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज 60,555. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60,555. ओके, तो 60,555 अगेन, पहले आप देखिए वैल्यू कहाँ तक दी हुई है, 10,000 तक दिया हुआ है, क्वेश्चन भी 10,000 तक में दिया हुआ है, तो दी राइट प्लेस वैल्यू अबव द नंबर 60,555. ठीक है, ऊपर हम प्लेस वैल्यू मेंशन कर देंगे 10, 100, 1000, 10,000. ओके, देन मेक द सर्कल 10,000 प्लेस वैल्यू. ओके, हमने सर्किल बना दिया इसको क्योंकि इसी को राउंड ऑफ करना है ना हमें. नेक्स्ट वी टेक सर्किल नियर वैल्यू 0. अब 0 तो आपको पता ही है कि 5 से छोटा होता है, 0 छोटा होता है ना 5 से. ओके, तो अगेन वी विल नॉट एड 1, हम प्लस 1 नहीं करेंगे. क्लियर है, 1 प्लेस से 0, 10 प्लेस 0, 100 प्लेस 0, 1000 प्लेस 0 एंड 6 एज इट इज. ठीक है, तो 60,000 में भी हमें, ठीक है, 60,000 हमें आंसर राउंड ऑफ वैल्यू मिली है क्योंकि 0 जो है वो 5 से छोटा है. ठीक है, 5 से छोटा होने पर हम क्या करेंगे कि प्लस 1 नहीं करेंगे. बाकी के डिजिट 10, 100, 1000 इन सब पे 0 लिख देंगे और जो सर्किल वाली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी. ओके, अद्वैत समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो गया. क्लियर है सबको, टेंस में कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, 100 में कैसे करते हैं, 1000 में कैसे करते हैं और 10,000 में कैसे होता है. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम एग्जांपल देखेंगे एक क्वेश्चन का और, जिसे हमें चारों प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ करना है. नंबर इज 7,47,192. ठीक है, नंबर क्या दिया हुआ है, 7,47,192. ठीक है, फर्स्ट आप इसको टेंस में राउंड ऑफ करेंगे,
नेक्स्ट इज 100, ओके, नेक्स्ट इज 1000, ओके, एंड लास्ट वन इज 10,000, ठीक है, फटाफट से करिए, एक एक प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हुए आपको आंसर बताना है, ठीक है। टेंथ में सबसे पहले कौन बताएगा मुझे टेंथ प्लेस वैल्यू में सबसे पहले कौन बताएगा मुझे फटाफट से राउंड ऑफ करके बताइए रफ कॉपी में। फटाफट से बताओ बेटा, कैमरे के सामने आपको आंसर बताना है मुझे, ठीक है। टेंथ में राउंड ऑफ करेंगे, फटाफट से करो, प्रांजल, लकी, हिमानी, परीक्षित, टेंथ में आपको राउंड ऑफ करना है, एक ही नंबर को हमें चारों प्लेस वैल्यू में बताना है, ठीक है। फोर प्लेस वैल्यू में इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, फटाफट से करिए। सेवेंथ लैक 47,192। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्लेस वैल्यू 100,000, 10,000 एंड लैक दिया हुआ था हमें, कहाँ तक है लैक प्लेस वैल्यू तक दिया हुआ, बट राउंड ऑफ किस में करना है हमें, टेंथ में, किस में करना है हमें, टेंथ में। कौन बताएगा सबसे पहले आंसर, गोविंद टेल मी योर आंसर, बैठना नहीं है हमें, ठीक है, फटाफट से बताओ। दक्षिता बताइए बेटा, हारिशा कैमरा ऑन कीजिए बेटा, आंसर बताइए। अंशिका आर्यन स्टार्ट योर कैमरा, आंसर बोलो बेटा, बताइए मेरे को, कैमरे के सामने करिए। किसी ने अभी तक टेंस का निकाला नहीं है राउंड ऑफ करके, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, या तो किसी को समझ में नहीं आया अभी तक। फटाफट से बताओ बेटा, आर्यन कैमरे के सामने आंसर करो बेटा, प्रांजल निकल गया बेटा, कैमरे के सामने आंसर कर दीजिए, इस तरीके से शो करिए बेटा। आयुषी शर्मा ओके वेरी गुड, आयुषी डाउन योर नोटबुक, आर्यन शो योर आंसर, ओके चलिए। देखिए टेंस प्लेस को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो मेक अ सर्कल टेंस वैल्यू, ओके, देन टू से कंपेयर कराएंगे, जस्ट इसके पास वाला नंबर लेंगे, ठीक है, और 5-4 से कंपेयर कराएंगे, 2 इज लेसर वैल्यू सो वी विल नॉट एड 1, 1 प्लेस ऑन 0, 9 एज इट इज आ जाएगा, बाकी की सारी डिजिट हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो 7,47,190 सेम एज इट इज हमें राउंड ऑफ करना है, इसी नंबर को 100 प्लेस वैल्यू, ठीक है। जयंत बताइए बेटा आंसर, कैमरा ऑन करिए बेटा, 100 प्लेस वैल्यू में हम आंसर बताएंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 देन लैक। विराज निकल गया बेटा आंसर, ओके 100 वैल्यू को हम सर्किल कर देंगे, देखिए ठीक है, 100 प्लेस वैल्यू से जस्ट पास वाला नंबर लेंगे 9,
ओके, 9 को कंपेयर करेंगे 5 से, 9 इज ग्रेटर वैल्यू, ओके, देन वी विल ऐड 1, कहां प्लस 1 करेंगे हम, जो सर्किल बनाया है उस पे प्लस 1 करेंगे, उसके नीचे 1 प्लेस ऑन 0, 10 प्लेस ऑन 0, 1 प्लस 1 2, और बाकी के नंबर एज इट इज ही आ जाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो 100 में राउंड ऑफ किया है तो 7,47,200, ओके, नेक्स्ट हमें राउंड ऑफ करना है इसी नंबर को 1000 में, 7,47,192, 1, 10, 100, 1000, 10,000, then lakh, ठीक है, इसमें राउंड ऑफ करना है 1000 में, ओके, तो 1000 के जस्ट पास वाला नंबर क्या है, 1, 1 को कंपेयर कराएंगे 5 से, ओके, तो 1 इज लेसर वैल्यू, तो वी विल नॉट ऐड 1, हम प्लस 1 नहीं करेंगे, 0, 0, 0, सर्किल की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 4 भी एज इट इज एंड देन 7 भी एज इट इज, 7,47,000 इज द राउंड ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट इज 7,47,192 में 10,000 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो 10,000 की वैल्यू को हम सर्किल बनाएंगे, जस्ट इसके पास वाला नंबर लेंगे 7, ओके, 7 को कंपेयर कराएंगे 5 से, तो 7 इज ग्रेटर वैल्यू, तो वी विल ऐड 1, प्लस 1 कर देंगे, 4 में 1 प्लस किया, 4 में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लेस ऑन 0, 10 प्लेस ऑन 0, 100 प्लेस ऑन 0, 1000 प्लेस ऑन 0, 4 प्लस 1, 5, देन 7, The answer is 7,50,000. Okay, we get the answer. 10,000 plus 7,50,000. Is that clear? Okay. So, let me take today's topic. Roman numbers. Okay. Next topic jo hai aapka, wo kya hoga? Roman numbers ka hai. Kiska hai? Roman numbers. आपने लास्ट ईयर भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रोमन नंबर्स के बारे में, तो रोमन नंबर्स कैसे हम यूज में लेते हैं, ठीक है, कुछ रोमन नंबर्स तो आपको पता होंगे, ठीक है, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो रोमन नंबर्स कहाँ सकते हैं, ठीक है, रोमन नंबर्स जो मोस्टली यूज में लिए जा रहे हैं, देखिए 1 का आपने पढ़ा है क्या होता है, फर्स्ट, 1 का रोमन नंबर क्या होता है, कैपिटल आई, नेक्स्ट इज 5 का कैपिटल वी, ओके, देन 10 वी विल यूज कैपिटल एस, नेक्स्ट 50 वी विल यूज कैपिटल एल, ओके, नेक्स्ट 100 कैपिटल सी, 500 कैपिटल डी, एंड लास्ट इज 1000 कैपिटल एम, ठीक है, ये आपके 7 जो है वो रोमन, मेन रोमन नंबर्स हैं जहां से हमारे चेंजेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो चेंजेस इसके 3 रूल्स हैं जो कि आपको पता चलेगा इसी के बिहाफ पे, इसी रूल इसी नंबर से हम आपको रोमन नंबर के रूल्स का भी पता चलेगा। फर्स्ट रूल इज कि रोमन नंबर, ठीक है, कैन नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स से ज्यादा हम रोमन नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि 3 लिखा आ रहा है 1, 2, 3, तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए आई, कैपिटल आई, फिर 2 टाइम्स आई एंड 3 टाइम्स, ओके, जैसे ही 4 आ जाएगा आप देख रहे हो चेंजेस कहाँ पर होंगे, इस नंबर से पहले ही चेंजेस होंगे, जैसे 5 है मुझे 4 नंबर बनाना है, तो अब जब हम 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 5 - 1 = 4, यही आता है। अब देखिए इन रोमन नंबर्स को बनाने का ये बेनिफिट है, सेकंड रूल नंबर सेकंड, कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो व्हेन वी यूज लेसर वैल्यू फर्स्ट, जो छोटी स्मॉल वैल्यू है उसका रोमन नंबर पहले लिखा जाएगा, देन वी विल राइट ग्रेटेस्ट वैल्यू रोमन नंबर। तो 5 का रोमन नंबर क्या हो गया, कैपिटल वी। तो सेकंड जो रूल है वो सब्ट्रैक्शन का रूल है। क्या रूल है कि जब कभी भी हम नंबर को माइनस कराते हैं तो जो छोटी प्लेस वैल्यू का जो छोटा नंबर होता है उसका रोमन नंबर पहले लिखा जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का रोमन नंबर बाद में लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया, 4। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो उसके लिए हमने क्या यूज में लिया, इस 5 को यूज में लेते हुए बनाया, ठीक है। ऐसे ही जो भी रोमन नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, ये आपके लिए नए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 50 तक पढ़े होंगे, 100, 500 और 1000, ये आपके लिए नए हैं, ठीक है। 100 ओके, आर यू लिसनिंग? ओके, तो ये 3 नंबर जो है रोमन नंबर वो आपके लिए क्या है, 100 के लिए सी, 500 फॉर डी एंड 1000 फॉर एम, ठीक है। ये 3 नंबर आपके लिए नए हैं, तो आपको क्या करना है, इन तीनों ही नंबर्स का आपको यूज में लेना है, ठीक है। इन तीनों ही नंबर्स को यूज में लेना है हमें, कि ये आपके लिए नए हैं रोमन नंबर, ठीक है। अब आपके चेंजेस जो होंगे वो 5 से पहले होंगे, 10 में भी 10 से पहले होंगे, ठीक है, और 50 से भी पहले होंगे, ठीक है। इन्हीं नंबर को, रोमन नंबर को योजना बनाते हुए हमें करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, 2 रूल्स के बारे में पढ़े। फर्स्ट रूल कि रोमन नंबर जो भी है वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। कौन कौन से रोमन नंबर जो रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि सपोज करो आई, ठीक है, ये भी 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। देन एस, ये भी 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट आई जो कि 1 है, ये भी 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स, एक्स भी क्या है, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट एस के बाद हम जब सी यूज में लेंगे, ठीक है, और एम, ये सभी जो नंबर्स हैं ये हम 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबको? 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं होगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल नंबर 2 जो कि हमने सब्ट्रैक्शन का पढ़ा था, कि जब कभी भी हम माइनस करेंगे तो जो स्मॉलर वैल्यू का रोमन नंबर है वो पहले आ जाएगा। सपोज करिए मुझे 9 बनाना है, आपको नहीं पता है कि 9 का रोमन नंबर क्या है। हमने क्या पढ़ा था, 4 का रोमन नंबर आई देन बी, 5 फॉर बी, 6, ठीक है, देन 7, यही रोमन नंबर होता है, 8 जी ट्रिपल आई, आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे 3 times आई आया है ना, 3 times आई। अब 9 आते ही ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 times आई 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो 9 के लिए कैसे बनेगा, 10 minus 1, तो क्या हो गया 9, 10 minus 1 is equal to 9, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, कि स्मॉलर जो नंबर का रोमन नंबर है वो पहले आ जाएगा, और 10 के लिए क्या यूज में लेते हैं, एस, तो एस लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, रोमन नंबर 9 बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 9 रोमन नंबर बन गया हमारा। कैसे बनाए 9, पता चल गया सबको, वापिस से सुनो, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 10 minus 1, ठीक है, 10 minus 1 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो वी विल, सबसे पहले हम 1 का जो स्मॉलर वैल्यू है रोमन नंबर है वो पहले लिखेंगे, और 10 का जो रोमन नंबर है वो बाद में आएगा। तो क्या बन गया, ये आई पहले आ गया और एस बाद में आया, तो ये सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कि जो एडिशन नंबर, जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन के टाइम पे क्या होगा, एडिशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, कि जो आपका बड़ी वैल्यू है और जैसे आपने प्लस किया है वैसे ही प्लस होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सपोज करिए 9 मैंने बना दिया, 10 के लिए क्या यूज में ले रही हूँ मैं, x, ठीक है, और 11 नंबर कैसे बनेगा, 11 के लिए हम क्या करेंगे, 10 plus 1, क्या करेंगे, 10 plus 1, यहाँ पे कर रही हूँ मैं 10 plus 1, यही करेंगे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो जैसे आपने नंबर लिखा है न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है, तो वैसे ही रोमन नंबर लिखोगे, 10 के लिए क्या यूज में ले रहे हैं, एस, और 1 के लिए क्या यूज में ले रहे हैं, आई, यही यूज में ले रहे हैं, तो आप इसी तरीके से लिख दोगे एस आई, तो ये क्या बन गया हमारा 11, क्या बन गया हमारा 11। इसी तरीके से 12 बनाएंगे, ठीक है, 12 नंबर के लिए रोमन नंबर 10 plus 2, तो एडिशन जो कि रूल नंबर 3 है उसमें क्या कह रहा है, कि जो बड़ा नंबर है, नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है, उसका रोमन नंबर पहले लिखोगे, और जो छोटा 2 है, छोटा नंबर है, उसका जो रोमन नंबर है 2, ये बाद में आएगा। तो क्या बन गया हमारा 12, क्या बन गया रोमन नंबर 12, किस तरीके से बना सबको पता चल रहा है। आज हमने क्या पढ़ा, 3 रूल्स पढ़े। फर्स्ट रूल है कि जो भी रोमन नंबर्स हैं आई एस सी एम, ये 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। आ रही बात समझ में, कोई भी रोमन नंबर आई एस सी एम, इनमें से जो भी रोमन नंबर है ये 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है आपका। सेकेंड रूल इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जब कभी भी आप सब्ट्रैक्शन करा के नया नंबर बनाओगे तो जो स्मॉलर वैल्यू का रोमन नंबर है वो पहले आ जाएगा और बड़े नंबर का रोमन नंबर बाद में आएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, वी विल डू एडिशन देन वी राइट फर्स्ट ग्रेटर नंबर, ओके, ग्रेटर नंबर ऑफ रोमन नंबर यू कैन राइट फर्स्ट, देन स्मॉलर नंबर ऑफ रोमन नंबर यू कैन राइट इन लास्ट, ठीक है, लास्ट में लिखोगे आप इसको, लिख सकते हो, क्योंकि रोमन नंबर हम इसी तरीके से बना सकते हैं। जनरली हमें
रोमन नंबर जो बड़े होते हैं वो हमेशा लर्न नहीं हो सकते, ठीक है। जब लर्न नहीं होते तो हमें इसी तरीके से रूल्स को ध्यान में रखते हुए इनको बनाते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? रोमन नंबर्स का 100 का ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 7 रोमन नंबर्स जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, आई, 5 का बी, 10 का एस, 50 का एल कैपिटल एल, 100 का कैपिटल सी, 500 का कैपिटल डी, ठीक है, एंड 1000 ऑफ एम, ठीक है। ये जो कैपिटल नंबर्स हैं इनको आपको लर्न करना, ठीक है। कल मैं दोबारा कल की क्लास में आपसे पूछूंगी कि जो 7 जो रोमन नंबर हमने पढ़े थे आपको याद है, उसी के संग आपको 3 रूल्स जो मैंने बताए हैं उसमें से 2 रूल, मिनिमम 2 रूल आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर?